सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज करने वाला है हम लोग सुपर स्प्लेंडर 125 BS6 नया मॉडल है ये, तो इसका माइलेज टेस्ट। तो चलो बात ज़्यादा नहीं करके वीडियो में बढ़ते हैं और देखते हैं कि हाफ लीटर में कितना देता है। फाइनली गाइस, टैंक से पूरा पेट्रोल निकल गए, आप खाली इंतजार है पेट्रोल को ख़त्म होने का। तो चलो देखता है कहाँ ख़त्म होता है पेट्रोल, तो मिलते हैं हम वहीं पे। उसका जो पेट्रोल है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा था, अब जाकर एक बार सिग्नल दे दिया कि भाई मैं ख़त्म होने वाला हूँ। मेरा समझ में आ गया भाई, पोल्यूशन देखो, एक हमारा इधर का एक बहुत बड़ा दिक्कत यही है, सामने अगर कोई बड़ा वाला गाड़ी रहता तो ऐसे धूल मिट्टी उड़ेगा, एक बहुत बड़ा दिक्कत है। तो यार एक बार धक्का दे दिया गाड़ी ने, पेट्रोल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया, तो जिधर ही बंद हो जाएगा हम उधर ही बंद करके रिफिल कर लेंगे और उसके बाद ढालेंगे इसमें 500 ml पेट्रोल। तो हम लोग गाड़ी ऑलरेडी मतलब फ्यूल जो था टैंक में बचा हुआ वो निकल लिए थे हम लोग, उसके बाद गाड़ी ऑलरेडी चल गया है 20 किलोमीटर, करीबन 20 किलोमीटर। ओहो बंद हो गया गाड़ी, स्टार्ट नहीं ले रहा है और एकदम धूप में आके बंद हो गया है। इस गर्मी में आप लोग समझ सकते हो क्या हालत हो रहा है, एक बार देखूंगा ट्राई करके, नहीं हुआ, हुआ नहीं। ओ भाई साहब, फाइनली ख़त्म। इसका सेल्फ जो डाउन हो गया है, मैंने 3-4 बार किक मारा, आपने देख लिया आप लोगों ने। तो फाइनली आके ख़त्म हो गया पेट्रोल। तो आप इधर एक थंबनेल के लिए एक फ़ोटो लेना है, फाइनली गाइस 500 ml पेट्रोल डाल गया गाड़ी में। और इसका जो ओडोमीटर है वो एक बार आप लोग देख लीजिए, 8964 किलोमीटर। एक बार देखूंगा स्टार्ट करके, एक किक में स्टार्ट हो गया। तो जो टेस्ट होने वाला है, अभी मैं सिटी में हूँ और आप लोगों का एक आइडिया आ जाएगा कि सिटी प्लस हाईवे में कितना देता है। और ये रोड सिटी है तो क्या हुआ, मतलब हाईवे जैसा ही है, जैम वगैरह नहीं है और खाली सा है एकदम, थोड़ा थोड़ा गड्ढा वगैरह है तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं, क्लच वगैरह चापने का कोई ज़रूरत नहीं, एक्सीलेटर खाली पकड़ के बैठी रही है, कोई दिक्कत नहीं है, हाईवे जैसा ही फील आएगा। और कभी कभी मतलब रुकना पड़ेगा जो गड्ढा वगैरह है उसके लिए। तो आप लोगों को एक ट्रैफिक का भी आइडिया आ जाएगा इससे कि एवरेज कितना दे देगा। इससे पहले एक बार मैंने किया था माइलेज टेस्ट, तो वाला माइलेज टेस्ट सही नहीं हुआ था यार, क्योंकि तब मेरा यूट्यूब में नया था मैं, इसलिए वो अच्छे से नहीं कर पाया था। और अभी भी ऐसा भी एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, फिर भी कर रहा हूँ यार, सपोर्ट कर देना। और अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो एक लाइक कर देना, क्योंकि ये जो मेहनत देख सकते हो आप लोग, धूप कितना है और अभी का जो गर्मी मतलब टेम्परेचर है वो 37-38 डिग्री है इधर। अरे यार पूरा अंधेरा करके जा रहा है गाड़ी, देख इसका ओवरटेक करना पड़ेगा। तो एवरेज स्पीड गाड़ी का है 40-70, मतलब 60। और कभी कभी ऐसा रोड है गड्ढा वगैरह, तो इसके लिए क्लच भी दबाना पड़ रहा है कभी कभी। और गाड़ी थर्ड सर्विस ऑलमोस्ट डन हो गया, ऑलमोस्ट डन मतलब डन हो गया है, तो गाड़ी थर्ड सर्विस डन हो गया है और गाड़ी ख़रीदा हुआ 1 साल हो गया है ऑलमोस्ट, और गाड़ी रन कर चुका है आप लोग देख सकते हो इधर 8000 अराउंड 9000।
तब देखो यार, पूरा अंधेरा करके जा रहा है, इतना धुला है यार। बताओ क्या, अगर हेलमेट नहीं होता ना तो हालत खराब हो जाता पूरा। तो फाइनली गाइस, दोपहर में पेट्रोल ख़त्म नहीं हो पाया था तो इसलिए मैं घर चला गया था। इतना धूप है, इतना धूप था और इतना गर्म पड़ रहा था, इसलिए तो अभी निकल गया शाम होने से पहले। पेट्रोल ख़त्म करना है जितना भी बचा हुआ है टैंक में। तो सो गया था यार, उठने में थोड़ा दिक्कत हो गया था और अभी टाइम हो गया है, 5 बज गया है। तो चलो कोई बात नहीं, ख़त्म हो जाएगा अंधेरा होने से पहले ही। और नीचे कमेंट करके बताना जरूर कि अगर आप लोगों के पास सुपर स्प्लेंडर है तो वो सिटी में कितना देता है, क्योंकि आज आज का जो माइलेज टेस्ट वो पकड़ लीजिए 90% वो सिटी के अंदर ही हो रहा है, क्योंकि देख ही सकते हो आप लोग जो रोड है इधर कैसे है। स्पीड वैसे ही 60 से ऊपर नहीं चलाया मैंने, तो रिजल्ट जो होगा वो आप लोगों का सामने होने वाला है। एकदम रोड के बीच से जा रहा है और इसका जो CBS ब्रेक सिस्टम है वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर मैं पीछे वाला ब्रेक दबाऊँ तो सामने वाला जो ब्रेक है वो काम कर रहा है ऑटोमेटिकली, तो फीचर्स बहुत अच्छा है। तो गाड़ी चल रहा है अभी 60 का स्पीड में, तो कोई वाइब्रेट वगैरह नहीं है इसमें, स्मूथ। इस गाड़ी रन कर चुका है 25 किलोमीटर। तो ख़त्म होने का जो इंडिकेटर है वो दे दिया है, ये देखो बंद हो गया गाड़ी, एक्सीलेटर ही नहीं ले रहा है, तो धीरे धीरे रुक जा रहा है गाड़ी। तो क्लच दबाया वैसे ही बंद हो गया है, जैसे ही क्लच दबाया तो गाड़ी वैसे ही बंद हो गया है। तो इधर रुक जाऊंगा एक बार, और वैसे ही 8994 मतलब 30 का माइलेज दे दिया हाफ लीटर में। तो कोई बात नहीं, एक बार और स्टार्ट करके देखूंगा। वैसे इसका सेल्फ तो खराब है, सेल्फ नहीं ले रहा है, बैटरी डाउन हो गया शायद, तो मैं एक बार किक मार के देखूंगा। तो एक बार किया है, लिया नहीं, फिर से लिया नहीं, तो मैं एक बार बंद करके स्टार्ट करूंगा। आप तो भाई साहब देख लिया आपने, स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो फाइनली गाड़ी यहाँ आके रुक गया है। इंडिकेटर किधर गया इसका, तो देख सकते हो यार गाड़ी 30 किलोमीटर रन कर गया है और इधर आके गाड़ी रुक गया है। तो सुपर स्प्लेंडर 125 और ठीक है, फिफ्थ गियर वाला बाइक है, 125 cc गाड़ी, ये रन कर लिया, देख लीजिए आप लोग 8994 मतलब ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर माइलेज निकल के आया गया। तो इसका एक बार 360 व्यू दिखाऊंगा मैं आप लोगों का। तो स्टार्ट करके देखूंगा मैं, तो एक किक में स्टार्ट हो गया है। 125 cc वाला बाइक एक हाफ लीटर में रन कर चुका है 30 किलोमीटर मतलब 60 का एवरेज निकल के आ गया है सिटी में। तो सोच ही सकते हो आप लोग कि इसका जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। और वैसे भी इसका पिकअप भी बुरा नहीं है, अब एक बार मैं आप लोगों का भगा के देखूंगा इसका पिकअप कैसा है। वैसे टैपिंग में आ गया,
सेकंड गियर में 50 टच कर लिया है, थर्ड गियर में ऑलमोस्ट 80 टच कर लिया है। ओहो, तो भागा नहीं पाऊंगा मैं, इधर ट्रैफिक में आ गया हूँ। तो पिकअप अच्छा ही है, बुरा नहीं कहूँगा मैं इसको, तो बेस्ट बाइक भी हो सकते हैं आप लोगों के लिए, बाकी आप लोगों का मर्जी। 125 cc वाला बाइक है और इसका पिकअप भी बहुत अच्छा है, माइलेज भी देख सकते हो, सिटी में 60 किलोमीटर आ गया है तो हाईवे में कितना दे सकते हैं आप लोगों को आइडिया हो सकता है। तो चलो और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं आप लोग तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ता है यार, और सब्सक्राइब करने में तो कोई खर्चा नहीं होता, तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब। और वीडियो अगर अच्छा लगा, ऐसा धूप में इतना ज़्यादा टेम्परेचर में वीडियो किया है, तो एक लाइक भी दे सकते हो आप लोग। तो चलो मिलते हैं हम लोग दूसरा वीडियो में, तब के लिए सब अच्छा रहना। तो चलो आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम दूसरे वीडियो में।